समय हो चला है 3:11। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समय हो चला है 3:11 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं किसानों के बारे में, खेती के बारे में। और वो इसीलिए क्योंकि हमारा देश जो है उसकी आत्मा किसानों में ही बसती है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ पूनम आपके साथ। और मैं हूँ संजय। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी हैं, उनका नाम भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं संजय, हमारा जो रेगुलर हम बताते हैं अपने किसान भाइयों को जिस चीज़ के बारे में, वो है कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष। तो आज भी उसके बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं, तो चलिए उससे शुरुआत करें। जी, किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी, यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है, जहाँ हरेक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी, FPO, खरीद संस्थाओं, कृषि कारोबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी, खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी।
किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू, केला, आम, कपास, चाय, कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ संजय, जैसे कि हमने सुना सशक्त अन्नदाता और आत्मनिर्भर भारत, और उसी की जानकारी हमने प्राप्त की किसानों की जमीन और फसलों के करार के बारे में। और अब आज का टॉपिक जिसके बारे में हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं और सुन रहे हैं ध्यान से, उसके बारे में बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों का नर्सरी उत्पादन। और उसके लिए हमारे विशेषज्ञ हैं जो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जी। तो आपका स्वागत है। बहुत नमस्कार बहुत। सभी श्रोता भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार जी। और कद्दू वर्गीय सब्जियों का नर्सरी उत्पादन, इस बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन संजय, आपको पता है ना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 25 दिसंबर को बटन दबाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तीसरी किश्त हस्तांतरित की, यानी ट्रांसफर की। तो इससे हमारे किसान मित्रों को काफी फायदा भी हुआ और मुझे लगता है कि हमारे सभी ज्यादातर जो किसान मित्र हैं उन तक ये धनराशि पहुंच भी गई। जी हाँ, किसान सम्मान निधि, जाहिर सी बात है कि किसानों को इससे फायदा हुआ है, और किस तरह से वो लाभान्वित हुए हैं अपने एक किसान मित्र के जुबानी हम सुनते हैं यहाँ पर। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक किसान भाई। नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। कश्मीर सिंह नंगला बड़ा जी। कश्मीर सिंह जी, जैसे किसान भाइयों का साथ सरकार पूरा कंधे से कंधा मिलाकर दे रही है, और प्रधानमंत्री जी ने कुछ राशि भी आपके अकाउंट में भेजी है, जो अंतिम राशि थी इस वर्ष की वो आपके अकाउंट में आ गई है। आ गई है। और इससे पहले भी कुछ पैसा आपके अकाउंट में भेजा गया था संपत और सम्मान निधि, तो वो भी आपको मिल चुका है। हाँ, वो मिल चुका, दो किस्त पिछली आ गई थी, ये अंतिम किस्त आई है। तो जब ये राशि आपको मिलती है तो खेती में कैसे इस राशि को आप प्रयोग करते हैं? जैसे धनराशि आई तो हमको, जैसे ट्यूबवेल वगैरह चल रहा है, हेडपंप चल रहा है, उसमें डीजल के काम आती है, दवाई के काम आती है, और खादी बीज में जैसे सारे प्रयोग में काम आ जाती है। इससे जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा कश्मीर सिंह जी, सरकार ने आपको बहुत सारी और भी सहूलियत दी है, जैसे आप फसल बीमा है, मिट्टी की जांच है, सब चीजों में फायदा मिल रहा है। तो इसका फायदा आप ले रहे हैं? हाँ जी। मौसम की जानकारी वगैरह भी लेते रहते हैं समय समय पर? हाँ जी। अच्छा, और ये फसल जो है आपकी कहाँ बिकती है? ले जाते हैं, एटा ले जाते हैं, सुखावा ले जाते हैं, आसानी से बिकती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा थोड़ा सा हमारा जीवन स्तर और थोड़ा सा किसान का जीवन जो है वो आसान हो गया है? हाँ जी, लगता है ऐसा। हाँ, लगता है जी ऐसा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे किसान मित्र जो किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हमें बता रहे थे। और आज का जो हमारा विशेष विषय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है कद्दू वर्गीय सब्जियों का नर्सरी उत्पादन। और उसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी हमारे साथ हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं। तो इनसे बहुत सारी बातें करनी और आपको भी करनी होंगी, तो आपको बता देते हैं कि आप डायल कीजिए 011 अगर आप दिल्ली से बाहर से डायल कर रहे हैं, और नंबर है 2342109
यानी 2342-1093। तो इस पर आप फोन कीजिए जल्दी से, और जल्दी से आप जो भी जानना चाहते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के नर्सरी उत्पादन के बारे में, उसके बारे में अपने प्रश्न पूछिए और हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपकी बात करेंगे। जी हाँ, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। और पहला सवाल जो है वो ये कि कद्दू वर्गीय सब्जियों का नर्सरी उत्पादन ये किस तरह से हमारे किसान मित्रों के लिए फायदेमंद है? जी हाँ, बात आपने फायदे की पूछी है, और हम हमेशा किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि कौन सी तकनीकी अपनाएं जिससे उनका मुनाफा जो है अधिक से अधिक हो सकता है। जब हम नर्सरी की बात करते हैं, जब किसान भाई अगर बीज से अगर कद्दू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो आम तौर पे मार्च के प्रथम सप्ताह यानी कि होली के आसपास वो इनकी बिजाई खुले खेतों में कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है सर्दी बहुत है, खास करके अगर हम पूरे उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ इनकी खेती अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर हम इसकी नर्सरी अगर हम बना लेते हैं, और नर्सरी खास करके हम संरक्षित संरचना यानी हम पॉली हाउस या लो टनल इस प्रकार का जो प्लास्टिक का संरचना बना के करते हैं जी, तो हम जाड़े के मौसम में भी इनका हम पौध उत्पादन कर सकते हैं। किसान को सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि इन फसलों की उनकी जो उपज होगी जी, वो मार्केट में 1 से 1.5 महीना पहले आएगी। और किसान भाई अच्छी तरीके से जानते हैं कि सब्जी के जो किसान हैं खास करके, उनको मुनाफा तभी होता है जब उनकी फसल या तो बाजार में सबसे पहले आती है जी, या जब सभी की फसल खत्म हो जाती है उसके बाद आती है। तो सबसे पहली जो किसान भाइयों के फायदे की बात यह है कि उनकी फसल जल्दी से जल्दी बाजार में आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, आइए जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? पूनम जी नमस्कार, मैं डॉक्टर एकेतन बोल रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आपको भी और स्वागत आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन है, आप पूछिए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ये पूछना है कि टेरेस पे हमें अगर ये कद्दू वर्गीय सब्जियां लगानी है तो क्या उसके लिए टाइम उचित रहेगा, कहाँ से बीज मिलेंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? जी जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है, टेरेस पे भी इनकी हम खेती हम कर सकते हैं। बट यही है कि अगर आप थोड़ा सा अगर आप नर्सरी उत्पादन करना चाहें तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इसकी नर्सरी हम बना सकते हैं। दूसरा है कि जैसे टेरेस पे आप जो बड़े पॉट्स होते हैं यानी 12 इंच से जो बड़े गमले होते हैं उनमें आप इनको लगा सकते हैं, और जो भी फसल आप लगाना चाहें, खीरा भी है, खीरा आप लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, आप लौकी लगा सकते हैं, आप तोरी लगा सकते हैं, यानी कद्दू वर्गीय जो भी चीज़ें हैं। अगर आप डायरेक्ट अगर बीज से लगाना चाहते हैं तो फिर आपको मार्च के महीने में यानी जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तब इसकी बिजाई करनी पड़ेगी। इसके जहाँ तक आपने बीज का प्रबंध किया, इसके बीज जो है आप हमारे पूसा संस्थान से ले सकते हैं। और अगर आप प्रजातियों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि जैसे अगर आप लौकी लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की प्रजाति, अगर आप लंबी लौकी लगाना चाहते हैं तो पूसा नवीन का चयन कर सकते हैं, या अगर आप गोल लगाना चाहते हैं तो पूसा संदेश ले सकते हैं, या आजकल एक नाशपाती के आकार की आती है तो उसमें आप पूसा संतुष्टि प्रजाति का चयन कर सकते हैं। और इनके बीज अगर आपको हमारे संस्थान या जो भारत सरकार का एक निगम है जिसे हम नेशनल सीड कॉरपोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम कहते हैं, उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, खास करके जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, जो उनके जो पानी है, पानी में लवण की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि उससे इन फसलों को थोड़ा सा नुकसान होता है, खास करके जब हम गमलों में इनकी खेती करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे जो श्रोता हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। संजय, मुझे लगता है कि हम मौसम की जानकारी भी दे दें क्योंकि हमारे श्रोता इंतजार करते हैं कि हम मौसम के बारे में बताएं। जी हाँ, मौसम की जानकारी किसानों के लिए बहुत अहम है क्योंकि हमारी जितनी भी खेती से जुड़ी हुई बातें हैं वो इससे ही प्रेरित होती हैं, तो मौसम की जानकारी दे देते हैं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तो आपको बता दें कि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और बादलों की स्थिति जो है वो 2 ऑक्टा है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 99% है और न्यूनतम 50% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति की बात करें संजय, तो इस वक्त 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर है। और एक और परामर्श जो हम अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे वो ये कि देर से बोई गई गेहूं की फसल
यानी 20 से 25 दिन की अगर हो गई है तो पहली सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें और 3 से 4 दिन के बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव जरूर करें। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने नर्सरी उत्पादन की बात की और इस दौरान आपने पॉली हाउस तकनीक की भी बात की, तो हमारे कई ऐसे किसान मित्र हैं जो शायद पॉली हाउस तकनीक से विदित नहीं होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी। साथ ही साथ क्या इसे, इस तकनीक को अगर वो उपयोग करना चाहें तो ये महंगा है, वो किस तरह से कर सकते हैं इसको? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और जैसा कि मैडम अभी मौसम का हाल बता रही थी और सबको हमको सर्दी का एहसास हो रहा है जी। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए सब लोग स्वेटर पहने हैं, कोई जैकेट पहना है, इसी प्रकार जो हमारे पौधे हैं, पौधों को भी अगर हमें बचाना है सर्दियों से तो उनको भी हम एक पॉलीथीन का हम घर बनाते हैं जी। और जैसा कि अभी बता रही थी कि अभी बाहर मौसम खुला है जी। तो जब हम सफेद पॉलीथीन का अगर हम घर बनाते हैं तो सूरज की रोशनी उसमें दिन के समय अंदर आ जाती है, किंतु वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिस कारण जो अंदर का तापमान होता है वो रात को भी बाहर की तापमान की तुलना में 8 से 10 डिग्री अधिक होता है जी। और जिन फसलों की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, खास करके जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ये आमतौर पे गर्मी की मौसम की फसल है जी। तो इन फसलों को हम अगर पॉली हाउस बनाते हैं तो पॉली हाउस के अंदर इनकी हम उत्पादन अभी भी ले सकते हैं। अभी भी बहुत सारे जो दिल्ली के आसपास के किसान हैं वो पॉली हाउस के अंदर खीरा उगा रहे हैं जी। और उन किसान भाइयों का खीरा जो है 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है जी। जो हमें मार्केट में 100 रुपए तक मिलता है जी। तो पॉली हाउस का फायदा ये होता है जी। दूसरी चीज है कि जो छोटे किसान हैं, क्योंकि आपने ये भी कहा कि इसमें आमतौर पर सही बात है कि लागत अधिक आती है जी। तो हम छोटे किसान भाइयों की भी हम चर्चा करेंगे कि जो किसान भाई अगर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वो खुद से ही, खास करके नर्सरी के लिए, खुद से अपना एक पॉलीथीन की झोपड़ी नुमा बना सकते हैं जी। उन्हें कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास बांस का या किसी लकड़ी का, जिसको, या आजकल जो प्लास्टिक की पाइप आती है, 20 फुट की जो पाइप आती है जी, इसको हम 3-4 पाइप को हम गोल घुमा के दोनों तरफ हम जमीन में गाड़ देते हैं जी, जिससे कि बीच में इसकी ऊंचाई कम से कम 6 से 7 फुट हो, जिसमें हम इसके अंदर जा सकते हैं जी। और उसके ऊपर एक सफेद पॉलीथीन आता है जो यूवी स्टेबलाइज्ड, यानी अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड जो पॉलीथीन की सीट है जी। और ये हम आमतौर पे 700 से 800 गेज की सफेद पॉलीथीन सीट, ये हम उसके ऊपर डाल देते हैं और चारों किनारे से हम मिट्टी हम से इसको ढक देते हैं। ये पॉलीथीन की झोपड़ी बन गई और छोटा पॉली हाउस किसान भाई खुद से तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि अगर अपने आप भी तैयार करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बाकी पौधे भी इससे संरक्षित हो सकते हैं क्योंकि पाला बहुत इस वक्त पड़ रहा है, तो उससे सुरक्षा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बातचीत करें इससे पहले एक और कॉलर है, आइए सुनते हैं उनका प्रश्न। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? बलवान बोल रहा हूं जी। बलवान जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न जी हुआ, इसमें ग्रोंडा विंडो इजराइल की तर्ज पे पोलिया उसे ला लो, उसमें सब बीज दे दे तैयार करके देवे हमें बेल उसकी, मतलब वो सही रहेगा जी तरीका? जी हाँ, बिल्कुल सही है, वो भी तरीका आप अपना सकते हैं कि आप अपना बीज उनको दे दें, या हमारे पूसा संस्थान में भी ये सुविधा दी जाती है और इंडो इजराइल के बहुत और भी जो सेंटर आजकल लगे हैं, जो जैसे कन्नौज में एक नया सेंटर बना है, सभी जगह जो किसान भाई हैं जो अपना नहीं लगा सकते हैं, अपना बीज उन सेंटर पे दे सकते हैं और वो पौध तैयार करके आपको फिर दे देंगे, तो उन पौधे को आप खुले खेत में लगा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे खीरे के मूल्य के बारे में, तो मुझे याद आया कि संजय, हमने बाजार भाव अभी तक नहीं बताया। जी हाँ, अपने किसान मित्रों को बाजार भाव की जानकारी दे दे आप। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर फल और सब्जी मंडी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेब की कीमत 120 रुपए प्रति किलो, जबकि अमरूद 35 रुपए, किन्नू 15 रुपए और चीकू 40 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। करेले की बात करें तो वो 25 रुपए प्रति किलो, बैंगन 13 रुपए, चुकंदर 11 रुपए और गाजर 10 रुपए प्रति किलो की दर पर आपको मिल जाएगा। संजय, ये हमने बताया और अभी हम आज की बात कर रहे थे, अभी डेट मैंने देखी आज की, तो मुझे याद आया कि आज 28 तारीख है और आज एक बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि आज 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो
इससे है तो बहुत अच्छी खबर, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन आप ही बताइए कि इससे क्या क्या फायदा हमारे किसान भाइयों को होने वाला है। ये सबसे जो फायदेमंद है, ये किसानों का उत्पाद एक जगह से दूसरे जगह कितनी सुगमता से पहुंच सकता है। जो हमारे किसान भाई हैं वो आम तौर पे उनका नुकसान यही होता है कि जहां किसी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जैसे जो महाराष्ट्र का जो इलाका है वहां अनार बहुत होता है, वहां टमाटर बहुत होता है, तो यहां से ये सारी फल और सब्जियां जो बंगाल है, जो हमारा पूर्वी भारत है, वहां तक आएगा, और वहां से पूर्वोत्तर भारत भी सिर्फ ये 38 घंटे में पहुंच जाएगा। दूसरी चीज है कि यहां जो चीजें होती है, जैसे बहुत सारी साग सब्जियां जो हैं पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होती है, तो यहां से फिर ये दोबारा महाराष्ट्र भी जाएंगी, तो दोनों जगह के किसानों को जो है इससे बहुत ही लाभ होने वाला है। जी हाँ, इस ट्रेन से किसानों को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है, और हम उनके लाभ की ही बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कद्दूवर्गीय सब्जियों का नर्सरी उत्पादन, और जो किसान मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वह हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2342-1093, और जो दिल्ली के बाहर के हमारे किसान मित्र हैं वो 011 लगाना नहीं भूले। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, पॉली हाउस की भी बात की, लेकिन अगर कोई ऐसा किसान जो चाहे कि अभी मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो नर्सरी उत्पाद के लिए किस तरह की तैयारी अभी अगर वो चाहे तो कर सकता है? जी हाँ, जैसे मैंने झोपड़ी की बात तो हमने कर ली, जो छोटा किसान है उस तरह का एक झोपड़ी बना लिया जी। उसके बाद अगर उसके पास प्रो ट्रे एक आता है, जो प्लास्टिक की ट्रे होती है 50 खाने की जी, अगर उसके पास वो उपलब्ध है तो उसमें लगा सकता है। अगर उसके पास नहीं उपलब्ध, बिल्कुल छोटा किसान है जी जी, तो जो हमारी प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली आती है करीब 10 से 15 सेंटीमीटर की, वो प्लास्टिक की थैली ले ले, पॉलीथीन की थैली, और उसमें करीब 4-5 छेद कर ले, और उसके बाद जो उसमें मिश्रण भरेंगे वो खुद से ही बना सकता है। बिल्कुल गोबर की सरी हुई खाद जो है, एक हिस्सा जो रेता है वो, और एक हिस्सा वहां की मिट्टी, इन तीनों को मिला के मिश्रण तैयार कर ले। और अगर जैविक उत्पादन करना चाहता तो इसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला ले जी जी, और इसको मिला के वो जो हमारी थैली है, हर थैली को भर के, और ये जो झोपड़ी हमने बनाई है इस झोपड़ी के अंदर रख दे जी, और हर थैली में एक एक बीज डालनी है। और बीज डालने के बाद अगर हम चाहें, क्योंकि कुछ रोग भी आ सकते हैं अगर हमने मिट्टी और गोबर का यूज किया है, तो उसमें हम बेवेस्टिन एक जो दवा होती है उसका पानी से हम उसमें डाल सकते हैं बीज डालने के बाद। लेकिन जो किसान अगर मृदा रहित उपज उत्पादन करना चाहते हैं नर्सरी का, जिसमें हम सॉइल लेस करते हैं, तो उसमें हम एक भाग कोकोपीट लेते हैं, एक भाग वर्मी कुलाइट लेते हैं, और एक भाग परलाइट लेते हैं, और इनको हम ट्रे में हम डाल देते हैं। इसमें जो सॉइल बॉर्न यानी मृदा रहित जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती, और उसमें भी इसी प्रकार से एक एक बीज डाल के इनको हम इस पॉलीथीन के घर के अंदर हम लगा लेते हैं। और इनका जो पौध है करीब 30 दिन के बाद तैयार हो जाता है। उसके बाद इन पौध को जड़ सहित यानी जो उसकी जो अर्थ बॉल है उसके सहित इनको खेतों में लगाना होता है जी जी जी। और अगर हम जो किसान भाई हैं वो जब 30 दिन के बाद ये जो हमारी पॉलीथीन की थैली है इसको एक किनारे से काटते हैं, पॉलीथीन पूरा निकाल के, और पूरी जो मिट्टी सहित है वो फिर खुले खेतों में हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में यानी जब पाले का डर खत्म हो जाता है तब हम खेत में लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि 30 दिनों में हमारा पौध तैयार हो जाएगा, और जब हम इसको खेत में लगाने जाएंगे तो इसको लगाने की सही विधि क्या होनी चाहिए? जी हाँ, आम तौर पे हमें किसान भाइयों को ये भी समझाना होता है कि हम पानी का कम से कम हम इस्तेमाल करें, यानी हमें पानी की बचत करें। अगर जिन भाइयों के पास अगर ड्रिप है तो उसको वो ड्रिप पे लगा सकते हैं, रेज्ड बेड बना के, और उसमें फिर हम अगर 1 मीटर से 1.5 मीटर चौड़ा अगर वो बेड बनाए हैं तो हर ड्रिप पे यानी 60-60 सेंटीमीटर पे इनके पौधे लगा सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अगर ड्रिप नहीं है जी, तो उन्हें सलाह दी जाती है करीब 2 मीटर के आसपास वो नाली बनाते हैं, पानी सिर्फ नालियों में जाएगा, नाली के दोनों तरफ ये जो पौधे तैयार किए हैं इनको वो 50-50 सेंटीमीटर पे इनको लगा देंगे, जिससे पानी हम सिर्फ नाली में डालेंगे और जो दोनों नालियों के बीच की जगह है उसमें जो बढ़वार होगी पौधे की बढ़वार होगी जी जी, जिससे उसके जो फल होंगे वो अच्छी गुणवत्ता के होंगे, और उसमें पानी के कारण जो फल में सड़न या गलन होगा ये समस्याएं उसमें नहीं होंगी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि कैसे हम किस विधि से उसको लगाएं, लेकिन कभी कभी जो कीट है या कीड़े हैं उनका प्रकोप भी हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? जी हाँ, अगर जो किसान भाई जब उसको खुले खेत में लगाते हैं तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ कीट और रोग भी आते हैं जी। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को कहता हूँ कि इंटीग्रेटेड वे जैसे समेकित प्रबंधन करना चाहिए। जब वो लगाने वाले हैं उससे पहले अगर अपने खेत के चारों तरफ अगर वो मक्का लगा लेते हैं जी,
जैसे हम कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाते हैं, इसी तरह फसलों को बचाने के लिए अगर हम चारों तरफ मक्का लगा देते हैं तो बहुत सारे जो कीट आएंगे वो मक्के पे ही चिपक जाएंगे, मक्के के पत्ते में रेशा होता है। अच्छा। एक तो उन्हें ये करना है, दूसरा उन्हें ये करना है कि खासतौर पर जो शुरुआती अवस्था में एक लाल रंग का कीड़ा आता है जो रेड पंपकिन बीटल और पूरे जो कद्दूवर्गीय फसल है इसके पत्तों को बुरी तरीके से खा जाता है, इसमें हमें दवा का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर आप घास कम रखेंगे, खरपतवार अगर नहीं रखेंगे तो ये समस्या कम आएगी। इसके लिए क्या करना है कि जब आप रुपाई कर रहे हैं उससे दो दिन पहले अगर आप पेंडी मिथिलीन एक आती है उसका अगर आप स्प्रे कर देते हैं 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से तो खरपतवार 30 दिन तक नहीं आएगी, तो आपके पौधे जो होंगे वो रेड पंपकिन बीटल या लाल कीड़ा जो उससे बचा रहेगा। किंतु उसके बाद भी अगर आ गया है तो कार्बोसल्फान नामक एक दवा आती है जिसे हम 2 ml प्रति लीटर पानी में लेके और इसका छिड़काव बिल्कुल सवेरे सवेरे करना है, यानी सूरज जस्ट उगा है या उगने से पहले, उस समय ये कीड़ा पत्ते पे बैठा होता है। उसके बाद अगर हम छिड़काव करते हैं तो कीड़ा उड़ के चला जाता है या जमीन में छुप जाता है जिस कारण ये दवा जो है फायदा नहीं। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि किस तरह से हम कीटों से बचने के लिए खाद का इस्तेमाल या कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा था कि टेरेस पे कैसे लगा सकते हैं और आपने एक दो किस्मों का जिक्र भी किया था, लेकिन सिर्फ कद्दू और लौकी की ही बात हुई थी, लेकिन इससे आगे भी काफी कुछ है। करेला, टिंडा है, परवल है, कुंदरू है और कच्ची खाने वाली जो है जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे किसान मित्रों को बताएं कि कौन सी किस्म बेहतर रहेगी जिससे कि उनको बेहतर उत्पाद मिले और उन्हें फायदा हो सके। जी हाँ, खीरा के लिए जैसे वो पूसा उदय लगा सकते हैं जी। और जो लोग अगर पॉली हाउस के अंदर खीरा लगाते हैं उसके लिए हमारा एक पूसा बीज रहित खीरा यानी पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा आ गया है वो लगा सकते हैं जी। अगर हम खरबूजे की बात करें तो जो लोग जो पीले गूदा वाला अगर लगाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान का पूसा मधुरस लगा सकते हैं जी। हरे गूदा वाला लगाना चाहते हैं तो पूसा मधुरिमा है और आजकल बिल्कुल आप अर्ली खरबूजा देखते होंगे जो कजरी के नाम से आता है तो वो भी हमारे यहाँ से एक पूसा कजरी तैयार हुआ है जी, जी, इसके जी। साथ साथ जैसे आजकल एक सन मेलन आता है जो ऊपर से बिल्कुल पीला सर्दा, होता है सर्दा, उसका भी हम लोगों ने एक पूसा सर्दा तैयार किया है। और एक दूसरी किस्म है उसकी पूसा सुनहरी जिसका गूदा भी अंदर से जो है वो ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का होगा, इनका चयन कर सकते हैं। अगर करेला की बात करें तो पूसा विश्वास ले सकते हैं, पूसा दो मौसमी ले सकते हैं और पूसा हाइब्रिड 4 ले सकते हैं, पूसा औषधि ले सकते हैं जी। अगर हम चप्पन कद्दू या टिंडा की बात करें तो पूसा पसंद ले सकते हैं और ये सभी प्रजातियां हमारे संस्थान से ले सकते हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से ले सकते जी। हैं जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और ऐसा लग रहा है कि इसे हम और सुनते जाएं, लेकिन कल का भी टॉपिक बता देते हैं संजय कि कल कृषि कानून और कृषि अवसंरचना कोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे हमारे जो श्रोता हैं वो, और उसके लिए डॉक्टर गिरीश झा रहेंगे तो ये जानकारी भी कर लेंगे। और फिलहाल बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन इन सारी बातों पर आप अमल कीजिएगा कि कैसे नर्सरी उत्पादन में कद्दूवर्गीय सब्जियों को आप लगा सकते हैं, इसके बारे में आपकी जानकारी प्राप्त की। तो फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो मुझे संजय और हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन उन्हें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।